डियर स्टूडेंट्स हम लोगों मैथमेटिक्स में कैलकुलस ऑफ रेजिड में तीन टॉपिक्स पे चर्चा कर चुके हैं उनमें से कॉशिज रेजडू थियरम और काशिज रेजडू थियरम के बाद हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि हाउ वी कैन कंप्यूट रेजडू एट पोल्स चाहे वह सिंपल पोल हो या पोल ऑफ आर्डर यम हो तो हम रेजिडू कैसे कंप्यूट करेंगे कैलकुलस ऑफ रेजडू के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनका हम यूज करेंगे उनको आज हम लोग चर्चा में ला रहे हैं और सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ऑफ रेजिटिव पहली प्रॉपर्टी इफ ए बी बी दी आर्क एंड दैट आर क्लाइज बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू दैट आर स्लाइज इन बिटवीन द एंगल थीटा वन एंड थीटा टू ऑफ दि सर्किल मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल आर एंड इफ लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड इज इक्वल टू के वेर के इज सम कांस्टेंट देन इन दैट केस लिमिट स्मॉल आर टेंस टू जीरो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलांग दर्क ए बी बिल बी इक्वल टू आई थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू के क्योंकि यह प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रूप में फ्रीक्वेंटली यूज कर सकेंगे इसके लिए हमें किसी प्रूव की आवश्यकता नहीं होगी कहा जा रहा है ए बी बी दी आर्क ऑफ ए सर्किल और सर्किल क्या है मार्ड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू तो आर मतलब वह सर्किल जिसका सेंटर ए पर है सेंटर पॉइंट ए है और रेडियस कहा जा रहा है स्मॉल आर है और सर्किल के सर्कम्फरेंस पर लाई करने वाला आर्बिटेरी पॉइंट जेड है तो यह मार्ड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू स्मॉल आर अब कह रहा है अगर ओ से सर्किल के सर्कम्फरेंस पर एक इनिशियल लाइन डाल दिया गया ओपी ए सेंटर पॉइंट तो ओपी को जब हम एक एंगल थीटा वन से रोटेट करा रहे हैं तो उसका जो पोजीशन आ रहा हुआ वह ओ ए हो गया और मान लेते हैं इनिशियल लाइन से जो एंगल बना रहा है वह एंगल कितना है थीटा वन है फिर इसको थोड़ा सा और रोटेट कराया गया अब रोटेट कराने पर अब जो पोजीशन आ रहा है उसकी वो जो ओ बी हो गया ओ बी हो गया तो यह जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बना रहा है उस एंगल को हम लोगों ने डिनोट कर दिया देखिए डबल लाइन से उसको कह दिया गया थीटा टू इसका मतलब तो यह जो आर्क ए बी है सर्किल के सर्कम्फरेंस पर लाई करने वाला जो आर्क ए बी है जो सेक्टोरियल पार्ट है वो किसके बीच लाई रहा है तो थीटा वन से बड़ा और थीटा टू से छोटा मतलब थीटा लाइज बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू तो जो लिखा थीटा लाइज बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू एंड एबी इज द आर्क ऑफ दिस सर्किल तो एबी इज द आर्क ऑफ दिस सेक्टोरियल पार्ट लाइज इन बिटवीन द एंगल थीटा वन एंड थीटा टू कहा और इतना ही नहीं कहा और यद लिमिट जेड टेंस टू ये मतलब सर्किल के सरकम फ्रेंस पर लाई करने वाला प्वाइंट जेड अगर सेंटर ए की तरफ टेंड करे ए की तरफ टेंड करे और जेड माइनस ए से हम एफ जेड में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट क्या के सम कांस्टेंट इट मे बी जीरो वन माइनस वन टू माइनस टू हाफ इस तरीके से हो सकता है का दे लिमिट आर टेंस टू जीरो ऑब्बियली जब जेड ए की तरफ टेंड करेगा तो सर्किल पे सर्कम फरेंस ए की तरफ जाएगा इसको तो किसकी तरफ जा रहा है सेंटर की तरफ तो रेडियस क्या होता जाएगा स्मॉलर एंड स्मॉलर इट मीनस अगर जेड ए पे टेंड करेगा तो आर किस पर टेंड करेगा जीरो पे तो लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रेलॉंग टू आई ठीटा टू माइनस के इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे फिलहाल एक प्रॉब्लम ले लिया कहा जा रहा है अगर इस फंक्शन को कहा जाए इंटीग्रेट करिए और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करिए मतलब तो एफजे पावर आई एमजेड अपॉन जेड को एक सेक्टु, एक सेक्टोरियल पार्ट एक सर्किल के सेक्टोरियल पार्ट के अलांग इंटीग्रेट करिए तो वो सर्किल क्या है वो सर्किल है मार्टजेड इज इक्वल टू स्मॉल आर्क मतलब सर्किल का सेंटर कहां पर है ओरिजिन पर और रेडियस है, है, का तो स्मॉल रेडियस का एक सर्किल है अब अगर स्मॉल रेडियस का एक सेमी सर्किल आपने लिया है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ए है और एंड पॉइंट क्या है बी है तो ये हो गया सर्किल का आर्क हो गया तो जो यहां ए बी कहा गया है वह ए बी यहां पर ये यह है अब कह जा अगर इस फंक्शन का इस सर्किल के सेक्टोरियल पार्ट के अलांग इंटीग्रल करना हो तो रिजल्ट क्या आएगा तो उसके लिए आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं होगी इस प्रॉपर्टी को देख करके सेटिस्फाई कराना होगा यहाँ कहा सर्किल के सर्कम्फरेंस पर लाई करने वाला आर्बिटेड पॉइंट सर्किल के सेंटर की तरफ टेंड करे तो अगर यहाँ पर यह सर्किल के सर्कम्फरेंस पर आर्बिटेड पॉइंट जेड लाइक कराओ जेड सर्किल के सेंटर पर टेंड करो लिमिट जेड टेंस टू जीरो और यहां भी कहा गया था जेड माइनस ए या फिर जेड यहाँ ए था यहाँ सेंटर इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड और एफ जेड इक्वल पावर आई एम जेड अपन जेड ये जेड जेड कैंसिल होगा और लिमिट जेड टेंस टू जीरो करेंगे तो ई टू दी पावर जीरो पावर जीरोक्वल टू क्या गया वन यहां कहा गया था के आएगा इसका अंतर के की जगह क्या गया? 1 आ गया वन आ गया कहा तो तो इंटीग्रल अलग से करने की जरूरत नहीं अगर प्रॉपर्टी हो से कहा लिमिट आर टेंस टू जीरो तो आर जी आर्क ए बी यहां आर्क को हम लोगों ने डिनोट कर रखा गा किससे गामा से तो लिमिट आर टेंस टू जीरो इंटीग्रल एफेट डीजे टेकन ओवर आर्क ए बी कहे या गामा कहे का लिमिट आर टेंस टू जीरो ए टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड टेकन ओवर गामा विल बी इक्वल टू आई आई थीटा टू माइनस थीटा वन थीटा टू थीटा वन। तो यहां देखिए जहां से जब सर्किल बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर थीटा वन क्या होगा आपका जीरो होगा और जब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो यहां पे होगा और यहाँ कितना हो गया 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो पाई हो गया तो माइनस मतलब जीरो इंटू के के बराबर वन आया था तो रिजल्टेंट आ गया आई पाई इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे आने वाले समय में घबराने बांधने होता रहेगा फिर एक दूसरा इसे दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं कहा सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका यू ए बी इज एन आर्क ऑफ दर्किल मॉड जेड माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू आर या मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर मतलब वो सर्किल का जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस कैपिटल आर है कैपिटल आर कहने के मतलब लार्ज रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर कहने को मतलब स्मॉल रेडियस ऑफ सर्किल तो कहा इफ ए बी बी दी आर्क ऑफ दिस दर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू आर वेर आर्क लाइज इन बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू एंड इफ लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड येड इज इक्वल टू के तो जो सर्किल आपने बनाया लार्ज रेडियस का सर्किल है और कहा जा रहा है जेड टेंस टू इन्फाइनाइट मतलब सर्किल के सर्कम्फरेंस पर लाई करने वाला आर्बिटरी पॉइंट जेड जो आर्बिटरी पॉइंट जेड है वह क्या कर रहा है जेड टेंस टू इन्फाइनाइट इसका मतलब तो सर्किल का सर्कम्फरेंस हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो सर्किल का सर्कम्फरेंस बनाएंगे तो आव, बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ेगा तो गया लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट

तो अगर सरकमफरेंस बड़ा होता जाएगा तो रेडियस भी बड़ा होगा वहां सर्कम्फरेंस छोटा कर रहे है तो, तो आप यहाँ रेडियस भी क्या होता जा रहा था जीरो पे अटेंड कर रहा था तो दोनों ही थियरम एक जैसे है बस एक है लार्ज रेडियस के सर्किल के लिए और दूसरा क्या है स्मॉल रेडियस के सर्किल के लिए है अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और वह प्रॉपर्टी क्या होगी तो वह प्रॉपर्टी क्या होगी जॉर्डन लेमा जॉर्डन लेमा क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं इफ येड इज एनाल्टिक एक्सेप्ट इफ एफ जेड इज एनाल्टिक एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज एंड इफ लिमिट जेड टेंस टू इन फाइनाइट एफ जेड इज इक्वल टू जीरो बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है इफ एफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज एंड इफ लिमिट जेड टेंस टू इन फाइनाइट एफ जेड इज इक्वल टू जीरो कहा देन जार्डनस लेमा स्टेट द लिमिट कैपिटल आर टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ई टू दी पावर आई एमजेड एफजेड डी जेड एलांग आर्क ए बी कहा जाए एलांग द आर्क गामा कहा जाए बिल बी इक्वल टू जीरो मतलब अगर जेड पर ये लिमिटिंग ऑपरेशन लगाने पर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो जेड में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट क्या आएगा जीरो आएगा अंडर दिस ऑपरेशन वह गामा क्या है गामा कुछ और नहीं जो आर के भी बोले तो उसी को अब गामा बोल दिया गया वह गामा डिनोर द तो सेमी सर्किल मार्जिन इज इक्वल टू तो कैपिटल आर मतलब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर रेडियस का है कैपिटल आर है हियर आर इज टेकन सो लार्ज दैट नो सिंगुलरिटीज लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्किल बाउंड्री ऑफ द सेमी सर्किल कैपिटल गामा का कोई भी कोई भी पोल कोई भी सिंगुलरिटी बाउंड्री पर लाई नहीं कर रहा है तो ये तीन लेमाज हमारे पास हैं थ्री प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर टू और तीसरा है जार्डन लेमा इन तीनों का यूज करके हम आगे चल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रेज्यू निकालना आप जान ही गए हैं पोल पर अब इन प्रॉपर्टीज का भी कैसे यूज करना है आने वाले समय में ये भी देखते रहेंगे एक प्रॉब्लम करके आपके सामने रख भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ हाँ बस अंतर इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास लार्ज रेडियस के सर्किल के लिए इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल कैपिटल आर हमारे पास दो थियर है एक जार्डन लेमा है और एक प्रॉपर्टी नंबर टू है दो प्रॉपर्टीज हमारे पास है जबकि स्मॉल रेडियस के लिए एक ही प्रॉपर्टी है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें लार्ज रेडियस वाले में हमको सोचना पड़ेगा कब कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर दिए गए इंटीग्रल के इंटीग्रेंड में जिस प्रॉब्लम को इंटीग्रेट कर उसके इंटीग्रेंड में अगर साइन या कोश साइन होगा क्यूँकी तो पावर आई थीटा जिक्वल टू हम जानते हैं कास्ट थीटा प्लस आई साइन तो अगर उसमें इंटीग्रेंड में को या साइन होगा तब तो उस कंडीशन में हम जार्डन्स लेमा का यूज करेंगे लेकिन अगर दिए गए इंटीग्रल के इंटीग्रेंट में कोशाइन या साइन नहीं होगा और लार्ज रेडियस की बात होगी तो प्रॉपर्टी नंबर टू की बस एक चीज याद रखना है कि अगर दिए गए इंटीग्रल के इंटीग्रेंट में जिसको हमें सॉल्व करना है कोशाइन या साइन फंक्शन की मौजूदगी है इंटीग्रेंट में तब तो उस कंडीशन में हम जार्डन सिलेमा के लिए तत्पर रहेंगे एक इंडिकेशन है एक सिग्नल है ये अगर नहीं तो फिर बाकी बचार हम करेंगे दैट्स ऑल